एवरीवन, मैं अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं एक्चुअली आई हूँ एक हल्दी के फंक्शन में जो घर के बिल्कुल बगल में है, सामने ही। चलिए चलते हैं। और इसे खुशी देखिए, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा खुशी। मैंने सिंपली मेकअप किया है, चलिए चलते हैं। लाइट बहुत अच्छा बच्चा पार्टी यहाँ मिल गया है, उसी में व्यस्त हूँ। ये है वो हल्दी का सेटअप, जो दूर है, मैं थोड़ी देर बाद अच्छे मिला है। ये मांग टीका लगाने के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इसको कैसे सेव करूँ, कहाँ गया इसका सीधा सा, इसको दिख जाइए वाला मेरा यहाँ पे उठा हुआ है, मैं इसको कैसे सेट करूँगी मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं लगाऊंगी भी कि नहीं वो तो पता नहीं है। वैसे यहाँ पे सभी को मिला है ये लगाने के लिए मांग टीका, चूँकि आज हल्दी है। एक सेकंड मैं आपको हल्दी का सेटअप दिखाती हूँ। फाइनली मांग टीका लग गया, वैसे तैसे करके थोड़ी देर के लिए टीकाना है ताकि वीडियो में आ जाए कि हाँ हम लोग भी किसी के टेक्निक है। तो जैसा भी ये ठीक है, लग गया, बात खत्म, थोड़ी देर टिक जाए और क्या चीज़। कंप्लीटेड और प्रसाद अभी बांटा जा रहा है, सब प्रसाद खाने में व्यस्त हैं। मेरा बेटा भी इधर ही कहीं घूम रहा होगा, आई डोंट नो कहाँ है। हमारे प्रसाद खाएंगे, प्रसाद बेटा ढूंढ रहा है। ऋत्विक कहाँ गया, आओ ये रहा प्रसाद, आओ प्रसाद, मांगोगे तो मिलेगा ना। चलो लो खा, तो बैठ के खाओ, प्रसाद प्रणाम करके खाया जाता है, प्रसाद इंजॉय करते हैं। अरे उठ ना पगलिया, अपने रंगों की होली बहुत देखी होगी, यहाँ देखिए हल्दी की होली और एंजॉय कीजिए। Thank you.
में जेंट्स का बोर्ड होगा, अभी लेडीज का दिखाने वाली है, ये तो और ज्यादा भयानक होने वाला जा रहे हैं डिनर करने। रात के 10 बज चुके हैं, चलिए चलते हैं। फेस पहले साफ करें, इसी फेस में तो मेरे ख्याल से नहीं खाऊंगी मैं। जाती हूँ पहले बाल को ठीक करती हूँ, फेस ठीक करूँगी उसके बाद खाऊंगी मैं। अभी खाना खाने जाना है, बट ये जो मेहंदी लगा है इसको निकाल लूँ पूरा येलो, ये पूरा अंदर तक लग गया है यार, पता नहीं कल कितना रगड़ के नहाना होगा, भगवान जाने। देख रहे हैं पूरा हल्दी, आप तो देख ही चुके होंगे कि हल्दी का क्या हालत हुआ है, इतना हल्दी लगा है, बाप रे बाप, पूरा फेस एकदम पीला पीला हो गया है। नेचुरल ब्यूटी है, मैं इसको फेस वॉश नहीं करने वाली हूँ, हल्दी लगा रहेगा, कल फेस वॉश होगा। फिलहाल चलते हैं खाने, क्योंकि तब से बुला रहे हैं सब, तो खाना खाने चलते हैं भाई। ये तो खाओ दाल चावल सब्जी का खाना देखी। हाँ पानी साग चला रहा है वो लड़का, चला रहा है लाने को। हो गया पानी है, वही तो बोले हम खिला देते हैं फिर। आज साग के अच्छा
क्या बैगन बारी बोलिए कद्दू चला चावल चावल हटो ना रहा तो ना रखूंगा यार बैठे का गिरा दी यार गजब कर ले और लोगे राइस लोगे हैं हाँ थोड़ा इसको राइस दो खाना खा लिया है मैंने मैं सिंगी चढ़ के आई हूँ ताकि जो खाई हूँ वो थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए इसलिए हाँफ रही हूँ अभी 11 बज चुके हैं सांस ले लूँ खाना बहुत अच्छा था बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने अपने जैसा वीडियो में देखा मतलब मज़ा ही आ गया ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हम लोगों ने कल संगीत और मेहंदी है देखते हैं जाती हूँ कि क्या फ्री रहूँगी तो जाऊँगी बहुत धमाल किया हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया तो बस शादियों का सीज़न शुरू है और मैं आई हूँ तो मैंने भी एक शादी अटेंड कर ही लिया तो कुछ ऐसा रहा ये ब्लॉग ऐसा रहा शाम बहुत अच्छा रहा शाम आपको कैसा लगा आप भी बताइएगा अगर आप भी शादी एंजॉय कर रहे हैं तो कीजिए शादियों का सीजन आता है शादी एंजॉय करने के लिए ही और क्या ये दौड़ दौड़ के अपने पैर में चोट लगा लिए हैं और इनको अभी चोट दिखाना है हद है मतलब कुछ भी हाँ दिखाओ हाँ इधर इधर आओ इधर इधर दिखाओ चोट देखिए देखिए इतना दौड़ दौड़ के ये दोनों पैर छील लिया है और नॉर्मली चोट लगने के बाद बच्चे क्या बोलते हैं कि मुझे चोट लगी है दवा लगाई ये बोल रहा है कि मैं खेलूंगा खेलने के लिए रो रहा था बताइए मतलब मैं क्या एक तो लोगों के बीच बच्चों को डांटना बोलना कुछ भी मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है और इसको है कि चोट लगी और खेलना है कैसे कैसे करके मैंने तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ कल नया ब्लॉग बनाऊंगी तो शूट करूंगी तो कैसा लगा ब्लॉग आप बताइएगा ज़रूर होपफुली अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा टाटा बाय बाय गुड नाइट।